नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिक्षा में रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। जिस तरह से जानते हैं आज के दौर में हर एक व्यक्ति तनाव में है, हर कोई चाहता है कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिससे मेंटली तनाव दूर हो। जिस तरह से आप देखते हैं आए दिन सुसाइड के केसेस लगातार हो रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? या तो यूं कहेंगे कि कोई डिप्रेशन है या कोई मानसिक तनाव है जिसकी वजह से आए दिन हमारे पुरुष हमारी महिलाएं इवन के यहाँ तक भी सामने आए कि डिफेंस में होते हुए भी लोग जो कि सुसाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहेंगे मानसिक स्थिति ठीक ना होना सबसे बड़ा कारण है। इसी विषय में आज यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई। सबसे पहले जानेंगे लर्निंग डेवलपमेंट एंड मेंटल सोल्यूशन एक कंपनी खोलने जा रही है जिसकी वजह से महिलाओं को भी ये मौका मिलेगा ताकि वो अपने मानसिक तनाव को दूर कर सके। चलिए इनसे जानते हैं। मैम आपका नाम? जी मेरा नाम दिव्य दुबुता है। हम लोग यहीं के पढ़े लिखे यहीं के बच्चे हैं। जमीन यही जमीन है हमारी जहाँ से हम निकले हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्टार्टअप शुरू किया है एनोब्लर प्राइवेट लिमिटेड। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक इंसान के लिए कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आप एंजाइटी में हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, हमारी पर्सनलाइज्ड कोचिंग्स ज्वाइन कीजिए, उनको बुकिंग करवाइए ताकि आप उन सर्विसेज को अवेल करके एंजाइटी को बीट कर सकें। मैम कहाँ पे आपका ऑफिस कहाँ पे रहेगा, किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? हम लोग एब्सोल्युटली ऑनलाइन सर्विसेज हैं। ennobler.co.in पे लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पर हमारा नंबर अवेलेबल है, वहाँ हमें डायल कीजिए, हम आपके साथ टच में आ जाएंगे। बस इतना आपको करना, ना आपको कहीं घर से जाना है ना आपको कहीं पर पहुँचना है, इतनी देर इतनी ही दूर है हम, बस आप फोन कीजिए। एंड आई अश्योर यू इन अ स्पैन ऑफ वन वीक्स टाइम विल गारंटी यू कि यू विल बी आउट ऑफ एंग्जाइटी। मैम जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं हमारी महिला हमारे पुरुष सुसाइड केसेस लगातार बढ़ रही है, क्या कारण रहता है? इस तरह से आपकी जो कंपनी है किस तरह से काम करेगी ऐसे लोगों को माइंड जो सेटअप ठीक करने? हम मेजरली ब्रेथ वर्क पे काम करते हैं, क्रिएटिविटी पे काम करते हैं। जैसे आप एक बच्चा जब थे तब आप जानिए होगा कि आपने कहीं ना कहीं ड्राइंग्स की होंगी, कहीं ना कहीं गाने गाए होंगे, जो मन करता था वो करते थे। क्यों? क्योंकि आपके मन की वो बात थी और आप उसको एक्सप्रेस करते थे। आज हम कर पाते हैं क्या? हमें यही होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, दुनिया क्या सोचेगी अगर हम ऐसे कर देंगे, तो हम तो मैरिड हैं, हम नॉन मैरिड हैं, लोग क्या करेंगे हमारे बारे में। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो एब्सोल्युटली ऑनलाइन है। आप वन टू वन लेना चाहते हैं तो हम आपको वन टू वन सर्विस देंगे, बाकी हमारे बैचेस चलते रहेंगे बीट एंग्जाइटी के, विन द माइंड बैटल के, ताकि आप हार्डवर्क करें अपने साथ और अपनी ग्रोथ को इंश्योर करें। फिजिकल ग्रोथ नहीं, मेंटल ग्रोथ, बिकॉज आजकल हमारा 99% काम तो मेंटल है। मैम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन आप उनको जो लोग मोबाइल का यूज जो महिलाएं या पुरुष नहीं कर पाते या दूर दराज के एरिया में रहते हैं पर वो ये सर्विस लेना चाहते हैं, जिस तरह से आप तक पहुंच पाते हैं? हम जल्दी ही एक फ्री ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमारी सर्विस नहीं ले सकते, ताकि हम उनको एड्रेस कर पाएं, उनके क्वेरीज को हम ऑनलाइन एड्रेस कर पाएं। हमारे एनोब्लर कोचेस करके इंस्टाग्राम पे भी पेज है और एनोब्लर प्राइवेट लिमिटेड करके फेसबुक पे भी पेज है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो आज पर सभी हम इसके कोई फ्री चार्जेस कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जो वन ऑन वन सर्विसेज रहेंगी या जो हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे वो आपको। क्या सोच के आपका विजन लेकर जो शुरुआत हर एक व्यक्ति के लिए जम्मू कश्मीर वासी के लिए क्या आपके माइंड में? कोविड में ऐसा लगा कि जैसे जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो बड़े सारे बच्चों ने भी सुसाइड किया और बड़े सारे लोग अच्छे ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटीज में अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में चले गए थे, बस हमारे एक्सप्रेशंस कर्टेल हो रहे थे वहाँ। तो ये देखते मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ पर एक रेगुलर मेडिटेशन सेशन शुरू किया जिसकी वजह से आज बड़े सारे लोगों की जॉब्स बची हुई है, बड़े सारे लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी है और बड़े सारे लोग हैप्पीली अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो यही इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए कि अगर हम एक स्मॉल स्केल पे इसको कर सकते हैं तो हम लार्ज स्केल में क्यों नहीं इसको कर सकते, ज्यादा जनता के लिए अपने जेएंडके स्टेट के लिए। चलिए सबसे बात, सर मेरा नाम एस एस बिजराल है, आईपीएस फॉरवर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। तो मैं इसके इनके एडवाइजरी बोर्ड में हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो तो एक बहुत बड़ा मसला है सोसाइटी में और डिजिटल एरा ने तो बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन इस अभी तक क्या है इसका इलाज अगर हर किसी ने देखा तो साइकियाट्रिस्ट पास जाकर देखा जिन्होंने मेडिसिन दे दी, तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी रहता है और हम जानते हैं कि किस कदर परसेंटेज बहुत कम है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। तो ये एक फर्स्ट है, ये एक अटेम्प्ट है वुमन एंटरप्रेन्योर
थे? यस यस, बहुत बड़ी अच्छी पहल की है दिव्या दुहता जी ने कि मेडिसिन फ्री और एक वन टू वन अपनी पॉजिटिविटी फाइटिंग अगेंस्ट नेगेटिविटी। बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है, फैक्टर ये भी है कि लोग आजकल कुछ भी छोटी सी छोटी भी अगर नॉर्मल भी खांसी वगैरह होता है तो बात है मेडिसिन की तरह, जिससे साइड इफेक्ट भी होते हैं। और ये बड़ी अच्छी पहल है अगर इस तरफ हमारा युवा, हमारी जो महिलाएं, हमारे युवक हैं आए तो मे भी दवाइयों से तो छुटकारा होती है, साइड इफेक्ट भी। बिल्कुल बिल्कुल, दवाइयों से भी छुटकारा होगा। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हर माह लास्ट संडे को देते हैं ये मन की बात, और मन की बात में एग्जाम के दिनों में उन्होंने स्पेशली एक टॉपिक इसी एग्जाम्स पर रखा था, क्योंकि कितने बच्चे कंपटीशन से परेशान होके एग्जाम से होके सुसाइड कर जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस पे फोकस रखा था। समझ सकते हैं कि एक मसला इतना गंभीर है, तभी तो प्रधानमंत्री ने मसला उठाया। तो ये जो पहल है ये सचमुच बड़ी कारामद साबित होगी, और दिव्या दुहता जी हैं ये एक बड़ी पॉजिटिव सोच की है, और मुझे पूरा विश्वास है तभी तो हम इनके साथ जुड़े हैं कि इतने अच्छे से इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ेंगे तो डेफिनेटली जनता को तो प्रभाव पड़ेगा। जी जी जी, डेफिनेटली, एंड रियली आई थिंक सोसाइटी विल डेफिनेटली कम। थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र भारद्वाज है, आई एम रिटायर्ड एबीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा ये बच्चे ने बड़ी, दिव्या ने बड़ी अच्छी पहल की है एनोब्लर प्राइवेट कंपनी प्रमोट करने के लिए। इससे हमारे इवन कि मैं तो फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ, बैंक से हूँ, वहाँ पे भी बड़ी ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस रहता है ड्यू टू सर्टेन टारगेट्स एंड ऑल दैट एंड वर्क कल्चर। तो उसमें सुसाइड रेट्स तो बड़े कम थे, बट ये जो आपकी एलिमेंट्स हैं विच इज़ लिंक्ड विथ यूर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस लाइक हार्ट प्रॉब्लम लाइक यूर डायबिटीज एंड ऑल दैट, देयर बहुत ज़्यादा है और उसका फर्टिलिटी रेट भी बढ़ी है। और मोर ओवर दिस एंग्जाइटी बैंकिंग सेक्टर में नो बडी वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड की उसको एंग्जाइटी हो गई है या स्ट्रेस हो गया, बिकॉज दिस इज इन अवर सोसाइटी इज ए टैबू, दिस टैबू ये इसको दबा की परेशानी हो गई है ये लाइक दैट, तो वो अकेले में रहने आइसोलेट हो जाते हैं, उसके बाद उसको प्रॉब्लम होती थी। दिस दिव्या ने ये बड़ी अच्छी की है कि ये वन टू वन है, सीक्रेसी मेंटेन है, एंड एवरीबॉडी कैन टेक द एग्जाम्पल। एंड मोर ओवर जैसे शिक्षा ने बोला कि ये मेडिसिन फ्री है एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट, तो आई होप कि ये बड़ी अच्छी रहे, तो आई विश हर वेरी गुड लक, दैट्स व्हाई वी आर उनके साथ में फुल सर और एज अ डॉग दैट। धन्यवाद सर, हम आपका चुने गए। दोस्तों ये आज जो दिव्या ने एक पहल की, हमारे जम्मू की बेटी ने पहल की, कहीं ना कहीं जम्मू के लोग भी बहुत आने वाले समय में कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता महिलाएं, खास करके हम आज महिलाओं की बात करेंगे, महिलाएं कुछ ऐसी बातें होती जो अपने मन के अंदर ही रखती और अंदर ही जूझती रहती हो, और आए दिन जिस तरह से आप देखते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हो, और कईयों की तो सुसाइड में मृत्यु भी हो जाती है। ये बड़ा ही एक गंभीर मसला है, चाहे हमारे युवक हो, अब युवक भी सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो कंपनी इन्होंने आज मेंटल सोल्यूशन के लिए नाम से जो इन्होंने एक नई पहल की है, हम अपनी जनता से भी निवेदन करेंगे, कोई किसी तरह का भी अगर स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, आप इस जो कि नंबर भी हम फ्लैश कर देंगे उस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी होगी, वो इंक्वायरीज को पूरा करने की कोशिश करें। कहते हैं बात करने ही से ही बात बनती है, तो डेफिनेटली हमारे जम्मू की बेटी दिव्या ने एक नई पहल की है, तो हम यही उम्मीद करते हैं हमारे जम्मू वासी जरूर इस पहल में उनका साथ देंगे। जुड़ी रियासी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।